झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी शीर्ष की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि मात्र 81 सीटों के लिए वहां 5 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, ताकि भाजपा को घोषित स्टार स्पीकर वहां की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपना वक्त दे सके। भाजपा अपने मिशन 65 पर अडिग दिख रही है, पर हरियाणा महाराष्ट्र के नतीजों ने उसके हौसले में पलीता लगाने का काम किया है। वैसे भी वहां इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। वहां के जातीय समीकरणों को देखें तो 1/4 आदिवासी वोटर हैं और 1 गैर आदिवासी रघुवर दास को भाजपा द्वारा CM बनाए जाने से आदिवासी समुदाय पहले से नाराज था। रघुवर दास तेली जाति से आते हैं, पर आदिवासी मतदाताओं की नाराजगी देखते हुए भाजपा ने संथाल परगना पर अपना फोकस किया है। अर्जुन मुंडा को केंद्र में मंत्री बनाकर पार्टी ने आदिवासियों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की है, पर इसमें भी रघुवर का अखड़ स्वभाव आड़े आ रहा है। प्रदेश में कुर्मी वोट 17% हैं, बनिया 14% और 10% अगड़े हैं, जिन्हें भाजपा अपना वोट बैंक मानकर चल रही है। यादवों पर भी पार्टी ने काम किया है। प्रदेश में यादवों की बड़ी नेता अन्नपूर्णा देवी को तोड़कर भाजपा में लाया गया है। यादवों को ही खुश करने के लिए नंद किशोर यादव को सह प्रभावी बनाया गया है। राजद के यादव वोट बैंक में सेंध लगाने में भाजपा कामयाब दिख रही है। वैसे भी झारखंड में प्रवासी बिहारियों की सबसे बड़ी तादाद है। सुदेश महतो की आजसू से तालमेल कर भाजपा ने कुर्मी वोटरों को साधने का यत्न किया है। वैसे भी कुर्मियों के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार की जदयू ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह अकेले ही चुनाव में जाएगी। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।